नीट यूजी परीक्षा 2024 परिणाम 4 जून को घोषित किए गए, लेकिन परिणामों को लेकर छात्रों का विरोध थमने का नाम नहीं ले रहा। इसी कड़ी में मधेपुरा में विभिन्न छात्र संगठनों की तरफ से लगातार इसका विरोध किया जा रहा है। वामपंथी छात्र संगठन ऑल इंडिया स्टूडेंट्स यूनियन की तरफ से मधेपुर जिला मुख्यालय के ठाकुर प्रसाद महाविद्यालय के सामने एनटीए और केंद्र सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर परीक्षा परिणाम में हुई गड़बड़ियों की जांच की मांग की गई है। हर बार अधिक से अधिक नीट एग्जाम में 3 से 4 विद्यार्थी टॉप करता था, लेकिन इस बार 67 विद्यार्थी टॉप किया। यही देखते हुए हम लोग तमाम छात्र इकट्ठा होकर के आंदोलन कर रहे हैं। इस बार एम्स दिल्ली में 46 सीट है, सरकारी कॉलेज में 46 सीट है, लेकिन 67 विद्यार्थी टॉप किए हैं। कहाँ से उन लोग का अथी होगा, एडमिशन होगा ये लोग का? आज ऑल इंडिया स्टूडेंट एसोसिएशन ऐसा पूरे भारत में ये जो नीट के एग्जाम का जो परिणाम आया है उसके खिलाफ आंदोलन कर रही है। जब 5 मई को ही एग्जाम हुई थी तभी से हम लोग इस पे आवाज उठा रहे हैं कि 4 मई को ही कुछ छात्रों को क्वेश्चन रटवाया गया था और पटना में इस क्वेश्चन पे FIR भी हुई थी और कुछ आदमी को पकड़ा भी गया था, जिसमें कुछ छात्र बोले थे कि मुझे एक दिन पहले रटाया गया था क्वेश्चन। देखिए, आज ये नीट की परीक्षा जो मेडिकल के लिए लिया जाता है इसके लिए हम लोग आंदोलन कर रहे हैं। इसमें आप जान रहे हैं कि प्रश्न पत्र लीक में कई स्टूडेंट पकड़ाए भी थे और सबूतों के साथ गवाह भी दिए थे कि एनटीए ने हम लोग को एक दिन पहले क्वेश्चन रटवा दिया गया है, लेकिन इस आंदोलन के बावजूद भी हम लोग इस परिणाम के बावजूद भी एनटीए ने रिजल्ट जारी कर दिया है और इसके लेकर के छात्र बहुत परेशान है, आत्महत्या कर रहे हैं। लेकिन इसके लिए हम लोग रोक के लिए सरकार से मांग करते हैं कि एनटीए जो रिजल्ट जारी किए है इस परीक्षा को ही पूर्णतः कैंसिल करके नई सिरे से परीक्षा ली जाए और जो धांधली हुई है उस पर सख्त कार्रवाई करके उस एजेंसी को अपने एग्जाम से दूर करके नई एजेंसियों को लाया जाए।